नमस्कार। हिंदी आरओ से चैप्टर नंबर 18 जामुन का पेड़। इस पाठ पर वीडियो बन चुका है और पाठ को बहुत ही अच्छे से समझाया गया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। आज हम इसके महत्वपूर्ण एमसीक्यूज कंप्लीट करने वाले हैं। जितने भी वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन इस पाठ से बन सकते हैं और महत्वपूर्ण हैं, वो सभी यहाँ शामिल किए गए हैं। वीडियो को पूरा देखें ताकि आपकी तैयारी और अधिक अच्छे से हो सके और आपका रिवीजन बेहतर हो सके। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, जामुन का पेड़ कहानी किसके द्वारा रचित है? जामुन का पेड़ कहानी किसके द्वारा रचित है? जवाहरलाल नेहरू, मनु भंडारी, कृष्णचंद्र प्रेमचंद। तो ये कहानी रचित है कृष्णचंद्र। जामुन का पेड़ कैसी कथा है? गंभीर है, हास्य व्यंग्य है, वीरतापूर्ण है, त्रासद है। तो ये जो कथा है ये है हास्य व्यंग्य। सेक्रेटरिएट के लोन में कौन सा पेड़ गिरा था? सेक्रेटरिएट के लोन में कौन सा पेड़ गिरा था? जामुन का पेड़ गिरा था। किसने पहली बार देखा कि पेड़ के नीचे एक आदमी दबा पड़ा था? क्लर्क ने, सेक्रेटरी ने, माली ने, सुप्रिटेंडेंट ने। तो ये सबसे पहले देखा माली ने। किसने कहा कि पेड़ के नीचे दबा आदमी निकाला जा सकता है? माली ने, क्लर्क ने, सुप्रिटेंडेंट ने, अंडर सेक्रेटरी ने। तो ये किसने कही ये बात कि पेड़ के नीचे दबा आदमी निकाला जा सकता है? तो ये बात कही माली ने। पेड़ किस विभाग से संबंधित था? कृषि विभाग से, वित्त विभाग से, राज्य विभाग से, वन विभाग से। तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से ये संबंधित था। सही उत्तर होगा बच्चों कृषि विभाग से। पेड़ के नीचे दबे व्यक्तियों को किसने खाना खिलाया था? पेड़ के नीचे दबे व्यक्ति को आएगा, यहाँ पर व्यक्तियों नहीं आएगा क्योंकि एक ही व्यक्ति दबा था। तो ये यहाँ पर व्यक्तियों को सही कर लेना, व्यक्ति आएगा। पेड़ के नीचे दबे व्यक्ति को किसने खाना खिलाया था? कांस्टेबल ने, माली ने, सुप्रिटेंडेंट ने, क्लर्क ने। तो माली ने खाना खिलाया था। पेड़ आदमी के शरीर पर किस जगह गिरा था? तो टांग पर, कुल्ले पर, पीठ पर, छाती पर। तो कुल्ले पर गिरा हुआ था। यदि पेड़ नहीं काटा जा सकता तो इस आदमी को ही काट दो, किसने कहा? माली ने, मंचले ने, क्लर्क ने, कांस्टेबल ने। तो एक ऐसे ही शरारती इंसान था, उसने कहा कि पेड़ को नहीं काट सकते तो आदमी को काट दो, आधा इधर से खींच लेना, आधा इधर से खींच लेना। मेडिकल डिपार्टमेंट ने जांच के लिए किसे भेजा था? कंपाउंडर को, सर्जन को, केमिस्ट को, फिजियन को। तो ये भेजा था सर्जन को। दबा हुआ व्यक्ति पेशे से क्या था, मतलब उसका बिजनेस, उसका काम, उसकी जॉब क्या थी? तो दबा हुआ व्यक्ति अध्यापक, कवि, दुकानदार, संवाददाता। तो वह था कवि। कवि का उपनाम क्या था? ओम, ओस, ओज, ओ। तो उसका उपनाम था ओस। कवि की नव प्रकाशित रचना का क्या नाम था? ओस के फूल, धुंध के फूल, कोहरे के फूल, बूंद के फूल। तो उसकी रचना का नाम था ओस के फूल। कवि के मर जाने के बाद किसे वजीबा दिया जा सकता था? पत्नी को, पुत्र को, पिता को, माता को। तो कवि के मर जाने के बाद वजीबा दिया जाता था पत्नी को, दिया जा सकता था। सारी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी किसने अपने सर पर ले ली थी? राष्ट्रपति ने, प्रधानमंत्री ने, वित्त मंत्री ने, मुख्यमंत्री ने। तो सारी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी प्रधानमंत्री ने अपने सर पर ले ली थी। रात को बड़े जोर का क्या चला था? झगड़ा, झक्कड़, झंझट, झंझार। तो रात को बड़े जोर से झक्कड़ चला था। बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था, ये कथन किसका था? क्लर्क का, माली का, चपरासी का, कांस्टेबल का। तो ये क्लर्क का कथन था। तुम्हारी फाइल चल रही है, उम्मीद है कल तक फैसला हो जाएगा, कथन किसका है? क्लर्क का, माली का, चपरासी का, सुप्रिटेंडेंट का। तो ये कथन था माली का। दबा हुआ आदमी कवि है इसलिए फाइल का संबंध किस विभाग से माना गया? तो एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, कल्चरल, प्रोफेशनल। तो ये विभाग से माना गया, कल्चरल विभाग से। पेड़ काटने का अंतिम आदेश किसने दिया? सुप्रिटेंडेंट ने, मंत्री ने, सचिव ने, प्रधानमंत्री ने। अंतिम आदेश दिया प्रधानमंत्री ने।
थैंक यू स्टूडेंट्स, कैसी लगी ये, कैसे लगे प्रश्न आपको, और इससे ज़रूर आपकी तैयारी अच्छी हो पाएगी, रिवीजन अच्छा हो पाएगा, पाठ और अधिक अच्छे से समझ में आएगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।